अस्सलाम वालेकुम, रयान स्कूल से आ चुके हैं। चलो बेटा यूनिफॉर्म चेंज करो। ठीक है, स्कूल से कपड़े भी चेंज कर लिए, बस खाना खाने बैठे हैं। बाबा का वेट कर रहे थे, बाबा इनके अभी तक आए नहीं हैं, तो मैंने कहा बेटा आप अकेले खा लो। अभी तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरी तबीयत खुद की सही नहीं है, तो मैंने कहा बेटा आप खा लो। और ये खा रहे हैं बिरयानी, जो मैंने कल बिरयानी दी थी ना, ये वही बिरयानी खा रहे हैं। और बस अब खाना खाएंगे, फिर ये थोड़ा आराम करेंगे, फिर मदर्स ट्यूशन जाने के लिए रेडी होंगे। तब अभी उम्र है सो रही हैं, उम्र खैर को मैंने सुला दिया था, सुबह उठ जाती हैं, फिर अभी सो गई दोबारा ना। बस उम्र खैर सो रही हैं, ये खाना खा के फिर थोड़ा आराम करते हैं। जी उम्र खैर तैयार हो चुकी हैं ट्यूशन जाने के लिए, उम्र खैर तैयार हो चुके हैं, रयान सो चुके हैं। हाँ बिस्किट, रयान सो रहे हैं, रयान को उठा रही हूँ। ये रयान सो रहा है, रयान रयान उठ जाओ बेटा, रयान उठ जाइए, ट्यूशन जाना है, 4 बज गए। घर को मैं पहले से रेडी कर देती हूँ, कभी पहले से हो जाती हैं, कभी देर से होती हैं। आपके दांत अभी तक गंदे हो रहे हैं, मुझे आपने ब्रश नहीं किया था ना, देखो बिलू बिलू हो रहे हैं अभी तक। आपने बिलू लॉलीपॉप खाया था ना, अभी तक बिलू हो रहे हैं। ऐसे मुँह नहीं बनाते, बुरी बात। बस उम्र खैर को रेडी कर देती हूँ मैं पहले से, कि तैयार होने में देर करती हैं। आज जल्दी से तैयार हो गई हैं, बस भाईजान को तैयार करना है। वालेकुम, वेलकम बैक मिसेस फरीन व्लॉग, और आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं बच्चे उठ चुके हैं सो के, सुबह से मेरी है ना हाथ में बहुत ख़ारिश हो रही है, बहुत दोनों हाथों में ख़ारिश हो रही है, पता नहीं क्या मसला होगा, बारीक बारीक से डॉट डॉट से दाने हो रहे हैं, और हाथ में ना बहुत एलर्जी हो रही है। वो डॉक्टर को दिखाना है, रात को जाऊँगी डॉक्टर का, अगर शकील जैसे आ गए, अभी तक तो शकील घर भी नहीं आए, देखें कब आते हैं घर, तो घर आते हैं तो फिर मैं उनके साथ डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी। हाँ अपने घर जाऊँ, फिर उनके साथ डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी। अभी जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने, यहाँ भी रेडी हैं और उम्र खैर भी रेडी हो गई हैं, और चलें उम्र खैर चलें ट्यूशन। कमरा लॉक करती हूँ आके, ये पूरा कमरा भी मुझे समेटना है, पूरा सब फैला हुआ है, यहाँ पे पानी की बोतल वगैरह। चलें सही है, लॉक कर दूँ, सलाम करके निकलते हैं घर से। चलो चले जी ट्यूशन जा रहे हैं, बच्चे मैं छोड़ के आऊँ, मुझे मार्केट से एक दो सामान भी लेके आना है, सर्फ लेके आना है, पत्ती चाय की लेके आनी है, वो भी लेके आऊँ। सर्फ ख़त्म हो गया बिल्कुल भी, उम्र खैर के रयान के कपड़े हैं, यूनिफॉर्म वगैरह धोना होता है। रयान सीधे चलिए बेटा, लटकते हुए नहीं जाते ऐसे। चले अच्छा जी, मैं आ चुकी हूँ घर, बस लॉक खोलना है, ये सामान लेके आई हूँ मार्केट से, प्याज लेके आई हूँ, सरफ है, और ये थोड़ी चाय की पत्ती घर में ख़त्म हो गई थी, मैंने कहा ले लूँ चाय की पत्ती लिए। खोलते हैं लॉक, चाबी कहाँ है, ये रही चाबी। लॉक खोल लिया, चलिए जी आ गए हम अपने कमरे में। अच्छा जी मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या है, ये देखें अगर नज़र आ रहा है तो मेरा हाथ सही से आप लोगों को रोशनी में दिखा देती हूँ, लेकिन धूप की रोशनी में भी शायद नज़र आ जाए। यहाँ देखें, इधर देखें कैसे हाथ रेड रेड हो रहा है, हाथों को मेरा रेड हो गया है, हालांकि इससे मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा है, ये वाला हाथ भी और ये वाला हाथ भी, दूसरा हाथ भी, ये देखें दोनों हाथ रेड हो रहे हैं, दोनों हाथों पे हो रही है एलर्जी, एलर्जी हो गई है, दाने हो गए हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक दाने हो रहे हैं, शायद ही नज़र आए इसमें कैमरे में, ये देखें शायद नज़र आ जाए, बारीक बारीक कैमरे में दाने हो गए हैं, हाथों पर रेड एलर्जी हो गई, कोई काम नहीं हो रहा मुझसे, दरअसल ख़ारिश हो रही है हाथों के अंदर, बहुत ज़्यादा हाथों में ख़ारिश हो रही है, और जिस वजह से मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। सफाई वगैरह भी अभी देखें मैं करूँगी, हो तो रहा है, कर तो रही हूँ, रोटी वगैरह नाश्ता वगैरह भी बच्चों के लिए मैंने बनाया, बनाना तो है ना, वरना सुबह स्कूल वगैरह का मसला हो जाएगा, इन लोगों का शकील का मसला हो जाएगा, तो ये सारे काम मुझे ही करने हैं। अभी कपड़े वगैरह धोने हैं, बस रुहान के सर्फ नहीं था, सर्फ लेके आई हूँ, और बस ये सर वगैरह काम वाम करके। देखिए मेरे कमरे की हो गई है सफाई, अच्छी तरह सफाई कर ली है मैंने, और बाहर की भी हो गई है। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन लेने वापस, छुट्टी होने का टाइम है बच्चों को लेने, घर की हो गई छुट्टी, चल हम लोग घर, इधर से आओ जल्दी से, मैं माओ बिल्ली बनी, चलो मैं आ गई हैं घर, और
उतारो बेटा बैग वैग उतारो जल्दी से चेंज। रियान नहीं आया, रियान का रह गया अभी काम रह गया था, तो जिस वजह से रियान वहीं रह गया। अम्मू सर आ गई हैं। हाँ अभी दिलाऊंगी, पापा को कॉल करती हूँ। पापा ये जिद कर रही हैं, इनको चीज़ चाहिए, रास्ते में चीज़ नहीं दिलाई, मैं जल्दी आ गई। अजान हो रही थी मगरिब की, अजान का वक्त, मदरसे से आ चुकी है, रियान आ चुके हैं, वो रियान हैं। हाँ आइस क्लोज है, आप आ जाएं, मैंने अपनी आइस क्लोज करी हुई, आ जाओ जल्दी आओ। अरे वाह मेरी बच्ची आ गई मदरसे से। रखिए सिपारा, रखिए जगह पे, रानी चाबी रखो जगह पे। आप मेरे लिए सरप्राइज ये लाई हो, उमर खर आई है मेरे लिए। वाह उमर खर आप आ गई, सलाम करते हैं बेटा जब आते हैं तो। जी आज हमारे यहाँ बना है दाल, बनी है, मैंने दाल बनाई है मूंग मसूर की, और बाकी है ना शकील के बिरयानी रखी हुई है जो तो शकील खा लेंगे खाना हुआ तो, और बाकी हम अभी मैं आटा गूंद के रोटियाँ बनाने जा रही हूँ। डाइट गई हुई है, मैंने कहा गैस आ रही है, देखिए गैस आ रही है, तो मैंने कहा मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाती हूँ, तीन रोटियाँ बनानी है, बाकी थोड़े चावल है, बच्चे जो है रोटी चावल खा लेंगे। वैसे तो दाल का भी, दाल भी खाते हैं शकील तो, हर चीज़ के साथ चावल यूज़ करते थे शादी से पहले, लेकिन जब से मैं आई हूँ तो मैं चावल ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये फ़ायदा मंद है, वो नुकसानदेह चीज़ है, इसलिए रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। तो बस अभी मैं रोटी बनाती हूँ जल्दी जल्दी, और डाइट गई भी जल्दी जल्दी, बच्चों के लिए रोटी बना देती हूँ। बच्चे आ चुके हैं मदरसे से और ट्यूशन से दोनों से। देखें शकील को, आप 10 बज रहे हैं अभी तक शकील नहीं आए, और उम्र खैर भी सो गई हैं इंतज़ार करते करते। रियान को अभी मैंने खाना खाने बिठाया है, उनका इंतज़ार कर रहे थे खाना खा लें, मगर खाना खाने के लिए अब रियान को बोला बेटा आप तो खा लो खाना, क्योंकि इसको नींद आ रही थी, सुबह स्कूल जाना है, तो मैंने कहा चलें मैं दाल में रोटी भिगो के खा लूँ, क्योंकि जिस वजह से जलन तो नहीं है पर हाथ में ख़ारिश है, ख़ारिश की वजह से मैं डायरेक्ट नहीं खा रही, मैंने कहा लाओ मैं भिगो के खा देती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा लाओ रोटी भिगो के खा लेते हैं आज। तो रियान तो वैसे खा रहे हैं खुद से, और मैं भिगो के खा रही हूँ, और वेट कर रहे हैं शकील का, लेकिन कब तक आता है, अभी तक तो आए नहीं, बात हुई थी थोड़ी देर पहले तो मतलब स्टाफ वगैरह पे किसी का वेट कर रहे थे, लेकिन अभी घर पे गए थे, टाइम लगेगा आने में, तो मैंने कहा चलो खाना खा रहे थे जब तक। अच्छा जी शकील आ चुके हैं, और ये देखें आते ही अब खाना खा रहे हैं। हाँ वालेकुम सलाम, शकील खाना खा रहे हैं, और बस सुबह से गए हैं, अभी आए हैं, इनको टाइम ही नहीं मिला, दोपहर में तो खा लिया था खाना, शाम में खाया आपने खाना, दोपहर में नहीं खाया, अब खाया। चल जब भी बिरयानी खा रहे हैं, और अभी भी बिरयानी ही खा रहे, ठीक है चल आप खाना खाए, भी दोबारा जाना है आपको, ग्यारह तो बज गए, सवा ग्यारह बजे, लेकिन टाइम इतना हो गया 11, और रियान को मैं कब से कह रही हूँ सो जाओ, सो नहीं रहा, पता नहीं किस लिए जा रहे बेटा, मैं दोबारा काम से जाऊंगा, आप सो जाओ आराम करें, सुबह उठना, यही सो रहा है, ये देखिए ये फिर रहे हैं यहाँ से वहाँ। उमर खैर सो गई, अलग है एज को, उमर खैर ने खाना नहीं खाया, ये छोड़ दूंगा, क्या क्या छोड़ देंगे, बिरयानी बचा दूंगा बस, किसके लिए है उमर खैर, दाल रोटी बनी हुई, दाल और सादी रोटी, पतली दाल और रोटी, पतली दाल, मूँग मसूर की दाल, और रियान को कहीं सो जाओ ये सोने में, पर अभी नहीं चल रहा, चलें सही है ठीक है, आप खाना खाएं, आप खाना खा चुके हैं, आइए मैंने छोड़ दी उमर खैर, उमर खैर को दे दो, उमर खैर का नहीं, उमर खैर का रोटी, मैंने इतना खाना था रोटी, और वो दूंगी दाल, उमर खैर अभी उठेगी, इतना खा लिया बस, चलें सही है मैं साफ कर लूँगी, और मैं ये कह रही थी मुझे डॉक्टर के जाना था, हाँ मैं चाय गर्म करके रखी है, करने रखी है, चाय बनाई थी उमर खैर मुझसे पीछे लगी चाय, तो उसमें दूध नहीं डालता कहावा था, मैंने अभी डाला, अभी बस आपके लिए गर्म करके लेके आ रही हूँ, ये उठा लो दस्तक, मुझे डॉक्टर के जाना था, मैं ये कह रही थी हाँ मैं, हाँ तो बस आपकी वजह से मैं जा नहीं पाई, आपके पास वजह से मैं रख दे, मैं ले जाऊँगी, रुकें मैं समेट रही हूँ ना, तो डॉक्टर का बोलते जाने का, डॉक्टर को जाके दिखा दो ना, लेडीज़ क्या जाते हैं, अरे इनको दिखाओ तो सही, MBBS है, MBBS है, तो सब चीज़ों के डॉक्टर अलग अलग होते हैं, खारिश का दे देगा, हो सकता है खारिश की दे देगा। अच्छा जैसे कि आ चुके हैं, और रियान सो चुके हैं, रियान भी सो गया है, उम्र खैर जाग रही है, शकील भी अब सोने के लिए लेटे हैं, तो आज का व्लॉग बस इतना ही, जिंदा रहे, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।